संरचना। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश अनुसार जिले में गेहूं उपार्जन करने हेतु पूर्व में बने हुए 30 उपार्जन केंद्रों की संख्या कोरोना वायरस जैसे संकट बीमारी को देखते हुए उपार्जन केंद्रों को बढ़ाकर 60 उपार्जन केंद्र किया गया है। इससे कृषकों को अपने ग्राम के पास में ही गेहूं देने की सुविधा होगी और कम संख्या में सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को पालन करते हुए उचित मूल्य पर आसानी से किसान अपने गेहूं की बिक्री कर सकेंगे। जिले में 15 अप्रैल से गेहूं उपार्जन का कार्य प्रारंभ हो रही है। प्रतिदिन 60 उपार्जन केंद्रों में उसी किसान को आना है जिनको पूर्व से ही मोबाइल पर SMS भेजा जाएगा। जिनको SMS प्राप्त होंगे केवल उन्हीं कृषकों को उस दिन गेहूं लेकर विक्रय के लिए आना है। गेहूं उपार्जन हेतु पंजीकृत 11,000 कृषकों से गेहूं खरीदने का पर्याप्त समय और अवसर दिया जाएगा। सभी कृषक इसमें सहयोग करके कोरोना संक्रमण के खिलाफ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए देश के प्रति अपना योगदान दे। सिंगरौली से ब्यूरो रिपोर्ट अनिल कुमार दुबे। रिलायंस एच डेक की जो हादसा हुई थी उसमें कल तक केवल 2 व्यक्तियों की बॉडी मिल पाई थी। आज तीसरी व्यक्ति चुनकुमारी शाह पति भयालाल शाह की भी बॉडी मिली है और बाकी का भी राहत कार्य जारी है। आज कई परिवार, करीब 50 के ऊपर परिवारों को जिनका घरों के आसपास राखड़ आ गई थी उनको खाना खाने के लिए खाद्यान्न भी दिया गया है और नगद राशि भी दिया गया है ताकि वो लोग जो असुविधा हुई उससे वो लोग मदद सामना कर सके। और आज कई परिवारों का फसल नुकसान की सर्वे पूर्ण हो गया है। करीब करीब 50 एकड़ों में जो नाला के आसपास में जो फसल लगे हुए थे उसमें नुकसान हुई थी उसकी भी मैंने राशि का आकलन होकर बहुत जल्दी कल परसों में ही उनको राहत राशि दिलाने के लिए किया गया है।